अभी इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या मिला है। ये देखो रिंग लाइट, ये तो काफी छोटी लग रही है और इसकी तार तो इसका साइज काफी 10 इंच से लिख रखा है उस पर, जैसे 10 इंच ही होगा क्योंकि इससे पहले भी मंगवाया था ना। ये टैगोर कंपनी का है और इसके अंदर में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो इसके अंदर ये देख रहे हो आप, एक ये है और ये घुमाने वाला है होल्डर है ये, और ये ट्राइपॉड उस टाइप का है, इसका माउंट टाइप का है मोबाइल माउंट, जो कि अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। कुछ आने के बाद इसको इस टाइप से टाइट करना है और इसमें फिक्स हो गया है, आप इसमें मोबाइल लगा सकते हो। और ये जो है ये इसके नीचे लगेगा, एक्चुअली मेरे पास स्टैंड पहले से ही था इसलिए मैंने सिर्फ ये रिंग लाइट मंगाया था। इसकी क्वालिटी सही है, ठीक ठाक है, 429 रुपये मैंने मंगाया था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है मुझे। ये देख रहे हो ये स्टैंड मेरा पहले से ही है, मैंने जो पहले लिया था ये भी टैगोर कंपनी का ही था। और ये रिंग लाइट देख रहे हो आप, ये रिंग लाइट भी इसी कंपनी का है टैगोर का, लेकिन इसकी जो आप दोनों में अंतर देखोगे ये थोड़ी ज़्यादा चौड़ी लग रही है और इसकी थोड़ी लेंथ, इसकी जो विड्थ है थोड़ी कम लग रही है। और आप देख रहे हो इसकी क्वालिटी, अभी मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको कि किस टाइप से काम करता है। क्वालिटी सही है, ठीक ठाक क्वालिटी है इसकी, 429 रुपये में और क्या चाहिए आपको। और ये देख रहे हो इसका वायर जो है कटा हुआ है, वैसे मैं इसको चेक नहीं किया था वैसे, अब देखता हूँ चला के जल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो फिर इसको वापस करना पड़ेगा क्योंकि इसका वायर देख रहे हो आप कटा हुआ है यहाँ से। और अभी मैं इसको चला के देखता हूँ मोबाइल होल्डर में लगा के, ये चार्जर है मेरा उसमें जलता है कि नहीं जलता है। तो दोस्तों देख रहे हो आप ये मेरा चार्जर का वो है, अभी मैं इसमें लगा रहा हूँ एडेप्टर में, और अभी मैं इसमें लगाता हूँ बोर्ड में। और ये स्विच देख रहे हो आप, यहाँ से ये ऑन हो चुका है और अभी इसकी ऐसी लाइट है, अभी मैं अपने घर का लाइट बंद कर रहा हूँ। अब देख रहे हो कैसी लाइट है इसकी, और अभी मैं इसको तेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो ये फुल लाइट है, ये इसकी लाइट ये फुल है, इतना कहाँ होता है इसका लाइट, मैंने इसका फुल कर दिया है लेकिन देखो फिर भी इसकी क्वालिटी मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। इस लाइट इसको चेंज कर रहा हूँ, देख रहे हो इसकी लाइट की इसमें रोशनी कुछ सही नहीं दे रहा है, बहुत कम रोशनी दे रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसकी लाइट क्वालिटी बहुत ही बेकार लाइट क्वालिटी है इसकी, क्योंकि अभी मैं इसको कितना भी तेज कर रहा हूँ ये अभी मैं इसको फुल कर रखा हूँ, आप ये देख रहे हो मैं यहाँ से इसको फुल कर देता हूँ, फुल कर रखा हूँ, लेकिन फिर भी ये इसकी क्वालिटी देख रहे हो कितना कम है। और अगर मैं कम करता हूँ तो इसकी तो और बेकार हालत हो जा रही है। तो क्वालिटी देख रहे हो आप, लगभग मैं ठीक ठाक है लेकिन अच्छी क्वालिटी इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी कम, इसकी रोशनी बहुत ही कम है। तो अगर आप 429 रुपये खर्च कर ही रहे हो तो कुछ पैसे और मिला के आप डिजिटेक का ले सकते हो, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। मैंने पहले भी ले रखा था डिजिटेक का, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों इसी लाइट के बारे में मैं अपना ओपिनियन दूँ
तो मेरा ओपिनियन ये है कि रिंग लाइट जो है सही नहीं है। अगर आप 400-500 रुपये खर्च कर रहे हो तो 400-500 रुपये अगर और एक्स्ट्रा खर्च करके आपको स्टैंड के साथ इससे अच्छी क्वालिटी की रिंग लाइट मिल जाएगी, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। क्योंकि आपको मैंने दिखाया इसकी रोशनी काफ़ी बेकार है और ये ढंग से दिखता भी नहीं है। वैसे तो कैमरा में आपको अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी बेकार क्वालिटी है और इसलिए रिंग लाइट मत लेना। इसके अलावा आप कोई अच्छी कंपनी का ले लो तो वो सही रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।